हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाईवे निर्माण साइट से 3 लाख रुपए की प्लेटें चोरी, आसोतरा साइट से 60 लोहे की प्लेटें बोलेरो में डालकर ले गए एक गिरफ्तार। पुलिस ने प्लेट चुराने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार, प्लेटें बरामद करने के लिए कर रहे पूछताछ। बाड़मेर जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 6 लेन हाईवे तैयार हो रहा है। आसोतरा गांव में पुलिस निर्माण का कार्य चल रहा है। इस साइट से 60 लोहे की प्लेटें चुराने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाने व माल बरामद करने के लिए पूछताछ कर रही है। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन हाईवे के ठेकेदार प्रमोद चौधरी ने बालोतरा थाने में 19 जनवरी को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट NKC कंपनी में फर्म जाजड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही है। आसोतरा गांव में पुलिया निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है। 18 जनवरी की रात को सफेद रंग की बोलेरो कैंपर में 1250 साइज की 60 लोहे की प्लेटें चुरा कर ले गए। इस दौरान साइट पर स्टाफ प्लेटों की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाया तो बदमाश बोलेरो लेकर भाग गए। स्टाफ ने गाड़ी से पीछा भी किया लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। आसोतरा के पास पेट्रोल पंप पर लगे CCTV फुटेज में बोलेरो कैंपर जाते हुए कैद हो गई। इन प्लेटों की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बालोतरा थाना अधिकारी बाबूलाल के मुताबिक मुखबिर व साइबर टीम की मदद से गिड़ा सिसोदिया निवासी महेंद्र कुमार पुत्र खिया राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में महेंद्र कुमार ने साथी किशन लाल निवासी खारड़ा मानपुरा, सोना राम निवासी सिसोदिया पाना गीड़ा, लक्ष्मण भारती पुत्र घेवर भारती गोस्वामी, पप्पू राम गोदारा निवासी गोपड़ी के साथ मिलकर वारदात करना कबूल किया। इस पर आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से अन्य आरोपियों की तलाश व प्लेट बरामद करने के लिए पूछताछ कर रही है। जागरूक TV की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।